Big boss, big boss, big boss. Yo. सलमान सर, क्यों ऐसे शो को होस्ट करते हो? नहीं देखा जाता आपको? आई मीन शो को। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज हमारा टॉपिक है मुनावर फारूकी के बिग बॉस के प्रॉब्लम्स। मुनावर फारूकी जो इस साल बिग बॉस के सीजन में काफी ज्यादा लाइमलाइट में है, क्यों ना हो उनकी गर्लफ्रेंड जो शो में आ चुकी है, बस ये मत पूछना कि कौन सी वाली। अरे रुको जरा, सबर करो, बताते हैं भाई, बताते हैं। लेकिन क्या मुनावर फारूकी ने बिग बॉस में आकर बड़ी गलती कर दी है? देखो ना, बिग बॉस के पहले उनकी गर्लफ्रेंड नाजिला के साथ उनका ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन फिर भी वो शो में प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब ठीक है। बस यही बात बिग बॉस को अच्छी नहीं लगी और लो, बिग बॉस ने मुनावर फारूकी की न्यू एक्स गर्लफ्रेंड, मतलब देखो एक्स गर्लफ्रेंड है या न्यू गर्लफ्रेंड है ये तो मुनावर भैया ही जानते हैं। इनका नाम है आयशा खान, ये वही है जिसकी हमने बात की थी, जो ये दावा कर रही है कि मुनावर ने इनको चीट किया है, मतलब इनको भी डेट और नाजिला को भी डेट। और आगे मुनावर भैया ही जानते हैं। आयशा खान, इनके प्रोमो में ऐसा दिखाया गया है कि वो घर में आकर मुनावर की क्लास लेने वाली है और मैडम की घर में एंट्री हो जाती है और मुनावर भैया को कन्फ्रंट भी करती है, पर थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। भाई ये फ्रेंड्स बन जाते हैं यार, ऐसा चेंज मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जितना कि आयशा खान मैडम ने इस शो में दिखा दिया। यार ये घर में जाके बिल्कुल ही पलट गई, बाहर इतना एलिगेशन लगा रही थी, भूल गई क्या ये? इस बिग बॉस में कुछ भी हो सकता है, हो सकता है अगले वीकेंड या कुछ दिनों में नाजिला भी आ जाए यार बिग बॉस में, हु नोस। मुनावर की गर्लफ्रेंड नाजिला, जो कि उनकी पहली गर्लफ्रेंड थी आई थिंक सो, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर कहा कि मुनावर ने उन्हें चीट किया है, वो दूसरी लड़कियों को भी डेट कर रहे थे। मुनावर नाजिला का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन फिर भी नाजिला ने मुनावर को बिग बॉस के लिए बेस्ट विशेस दी है। वाह क्या बात है, देखो और क्या क्या होता है बिग बॉस में। लेकिन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।